नमस्कार, मैं ललित। कंगना का बयान, हरियाणा में नुकसान, विपक्ष का दांव, बीजेपी कैसे करे बचाओ, क्वीन के विवादों की लंबी चौड़ी टाइमलाइन और बयानों की शूटिंग में दरअसल रीटेक नहीं होता, आज इसी के इर्द गिर्द चर्चा। बिना सोचे बोलना और बोलकर भी उस पर बिल्कुल ना सोचना, वैसे इस बात का कंगना से कोई सीधा ताल्लुक है नहीं। आज बात उनके बयान से मचे घमासान। हरियाणा में बीजेपी अपनी ही चुनौतियों से परेशान थी, अब कंगना ने उस टेंशन को और बढ़ा दिया है। आज क्वीन के विवादों की पूरी टाइमलाइन भी आपको बताएंगे। पहले खबर जान लीजिए। कंगना रनौत एक बार फिर चर्चा में है, हर बार की तरह अपने ऐसे बयान को लेकर जो तुक और बेतुके की सीमाओं से बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से वो बीजेपी के सांसद हैं, कंगना रनौत। उनके बयान ने बीजेपी को न सिर्फ नाराज कर दिया है बल्कि जानकारों का कहना है कि बहुत नुकसान भी करवा दिया है। अभी अभी इस तरह की भी खबर है कि आलाकमान क्या कुछ एक्शन हुआ वो तो हम आपको बताएंगे। ये भी खबर है कि आलाकमान कह रहे हैं कि आकर मिलना होगा, चर्चा करनी होगी। हालांकि ये जब भी हो कहा यही जाएगा कि एक सौजन्य मुलाकात थी। बड़े नेताओं में सौजन्य मुलाकात ही होती है, साफ कुछ नहीं निकल पाता। खैर, तो आखिरकार शुरुआत कहाँ से होती है। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भारत को भी बांग्लादेश बनाने की साजिश थी। उन्होंने ये कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहाँ रेप और हत्याएं हो रही थीं, किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना उपद्रवियों की बहुत लंबी प्लानिंग थी, वो देश में कुछ भी कर सकते थे। और अगर जो शीर्ष नेतृत्व है वो मजबूत नहीं होता तो स्थितियां वैसी ही होती जैसी बांग्लादेश में हुआ। वो यहाँ भी होने में देर नहीं लगती क्योंकि इसके पीछे चीन, अमेरिका जैसे देशों का हाथ था। कंगना रनौत के इस बयान को विपक्ष ने हाथों हाथ लपक लिया और फिर इसे सीधे किसानों के अपमान से जोड़ दिया गया। कांग्रेस से एक कदम आगे निकली आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने तो ये सवाल कर दिया, आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल आया, बयानों के सिलसिले चल रहे हैं इस पर। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सवाल आया कि बीजेपी अन्नदाता से इतनी नफरत करती क्यों है। कंगना रनौत का ये बयान बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। इधर कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सवाल पूछ लिया कि आखिर बीजेपी को देश के अन्नदाता से इतनी नफरत क्यों है। बीजेपी के नेताओं ने शुरुआत में तो किनारा किया लेकिन बाद में एक स्टेटमेंट जारी किया गया। इसे देखकर लगता है कि पार्टी ने न सिर्फ बयान से किनारा कर लिया, ऐसा लगा मानो कंगना को भी किनारे कर दिया गया। स्टेटमेंट में कहा गया कि कंगना रनौत का ये जो बयान है ये पार्टी की राय नहीं है, ये उनका निजी बयान है, निजी मत है। पार्टी की तरफ से बीजेपी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वो इसके लिए अधिकृत हैं। बहुत ध्यान से इन शब्दों को सुनिएगा कि ना तो उनको अनुमति है और ना वो इसके लिए अधिकृत हैं। कंगना रनौत को भी ये निर्देश दिया गया कि वो भविष्य में इस तरह के बयान ना दें। बीजेपी भले डैमेज कंट्रोल में जुट गई है लेकिन तब तक विपक्ष की बल्ले बल्ले हो चुकी थी। बात पंजाब के किसानों की थी, सियासत हरियाणा की गर्म हो गई। भाई किसान तो किसान है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हरियाणा के किसान बीजेपी को सबक सिखाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि किनारा काफी नहीं है, कंगना को पार्टी से निकाला जाए। कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी से सवाल किया कि वो अमेरिका और चीन की भूमिका के बारे में बताएं। अगर ये गलत है तो जिसने ऐसा बोला है उन्हें पार्टी से बाहर निकालें। भारत में किसानों के ऊपर ऐसी टिप्पणी कभी भी किसी ने नहीं की है। बीजेपी महज ये पार्टी का बयान नहीं, इस तरह से बात कहकर नहीं बच सकती है। कंगना रनौत ने कल कहा कि किसान आंदोलन के जो किसान थे उनको बलात्कारी और हत्यारा बताने का काम किया। इस देश के अन्नदाताओं के खिलाफ ऐसे शब्द शायद ही किसी राजनेता ने इस देश के लंबे इतिहास में कभी बोले हों। वहां पर इनका कहना है कि ये अमरीकी और चीनी शक्तियां ऐसा कर रही थी। अमेरिका और चीन हमारे देश में दखलंदाजी कर रहा था, अस्थिरता पैदा कर रहा था किसान आंदोलन करा के। अगर ये उनका मत नहीं है, अगर आपकी पार्टी का ये मत नहीं है तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। अब क्वीन के विवादों की टाइमलाइन जिसको लेकर ये चर्चा हमारी शुरू हुई है उसकी हिस्ट्री देखकर लगता नहीं कि कोई असर होगा क्योंकि बयानों और विवादों की एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट है। लोकसभा सांसद बनने के बाद दिल्ली आ रही कंगना रनौत को मोहारी एयरपोर्ट पर CISF की एक महिला कांस्टेबल ने कथित तौर पर थप्पड़ मारा था। उसकी जड़ में भी किसान आंदोलन को लेकर कंगना का दिया गया बयान था। दिसंबर 2020 के आसपास की बात है। 88 साल की एक बुजुर्ग महिला है महिंदर कौर, वो किसानों के साथ मार्च कर रही थी।
एक कंपैरिजन शुरू हो गया कि शाहीन बाग की जो बिल्किस दादी हैं उनसे उनके जैसी ये हैं। कंगना रनौत ने बिल्किस और महिंदर कौर दोनों की तस्वीर एक साथ ट्वीट करते हुए तंज कसा, हाँ, ये वही दादी है जिन्हें टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया है और ये 100 रुपए में उपलब्ध हैं। इसके अलावा जुलाई महीने में संसद सत्र के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने शिव और महाभारत की कथा के चक्रव्यूह का जिक्र किया। इसे लेकर कंगना रनौत ने कहा कि वो जिस तरह की बदहवास बातें करते हैं उनका टेस्ट होना चाहिए कि क्या वो कोई ड्रग्स लेते हैं। इसके अलावा जुलाई में ही ये हुआ कि शंकराचार्य के ऊपर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। और इसके अलावा ये तो बहुत ही बड़ा वाला है मामला, बहुत मस्त है ये। साल 2021 में कार्यक्रम के दौरान कंगना रनौत ने कहा कि भारत को साल 1947 में भीख में आज़ादी मिली थी, देश को असली आज़ादी 2014 में मिली। 2014 में क्या हुआ था सब जानते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसा एक नवोदित महिला नेता ने कहा था कि आज़ादी लीज पर मिली है। इसके अलावा उन्होंने तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को कंगना बी ग्रेड अभिनेत्री बता चुकी हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, क्या क्या बताएं, क्या क्या गिना है। अब अगला पहलू बयान का आफ्टर इफेक्ट। भले ही बीजेपी कहेगी कि ये बयान पंजाब के किसानों के लिए दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि हरियाणा पर इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है। हरियाणा में वैसे भी जो बीजेपी है वो चंगुल चुनौतियों का सामना कर रही है। मसलन सिलसिलेवार में आपको बताता हूं, 3 नए कृषि कानूनों के विरोध का जो मुख्य केंद्र रहा वो हरियाणा पंजाब रहा। तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर को भी विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे ऐसे पोस्टर लगे बीजेपी की नो एंट्री। इसके अलावा 2014-2019 में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी को 2024 में सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। दूसरा पॉइंट है जाट। कांग्रेस के स्कोर वोटर में बीजेपी ने सेंध लगा दी थी, लेकिन हालिया आम चुनाव में ये ट्रेंड बदल गया है। इसके अलावा महिला पहलवानों के साथ शोषण का मुद्दा और फिर जो सियासी तमाशा हुआ वो लोग नहीं भूले हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है अग्निवीर। हरियाणा से बड़ी संख्या में युवक सेना में जाते हैं। सेना और हरियाणा का एक जज्बाती रिश्ता है। इन चुनाव में अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर के खिलाफ यहाँ आंदोलन भी हुए थे और सबसे जरूरी पॉइंट जो है वो है एंटी इनकम्बेंसी। 2014 से बीजेपी यहाँ सत्ता में है। अब यही वजह है एंटी इनकम्बेंसी की, लोकसभा चुनाव से पहले खट्टर को हटाकर नायब सैनी को कमान दी गई और इन सब के बीच अब आ गया है कंगना का बयान। यही वजह है कि विपक्ष इस बयान को वॉकओवर या पेनल्टी शूटआउट की तरह देख रहा है, वो उसे गोल में बदलने के लिए बेसब्र है। वहीं कंगना का क्या है, फिलहाल तो लगता नहीं कि उनके बयान रुकेंगे, बयानों के सिलसिले ये रुकेंगे। तो आप भी इस सियासत का मजा लीजिए। सीधे सीधे हरियाणा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, जानकारी से लेकर क्या कह रहे हैं वो हमने आपको समझा दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं क्या आप देखना चाहते हैं, क्या आपको बेहतर लगता है। आलोचनाएं भी आपकी आमंत्रित है, साफ सुथरी आलोचनाएं। नमस्कार।